तो फाइनली गाइज स्वागत है आपका एपिसोड 27 में। आज ब्लॉकचेन फंडामेंटल बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स का एपिसोड 27 है। आज 27वां एपिसोड है। आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरीके से आप अपने क्रिप्टो एसेट्स को एक एक्सचेंज पे स्टोर कर सकते हो। एक एक्सचेंज जो है वो कैसा होता है, क्रिप्टो एक्सचेंज कैसा होता है, क्या क्या एक क्रिप्टो एक्सचेंज पे हमें फैसिलिटीज मिलती हैं, ये सारी चीजें यदि आपको सीखनी है डिटेल में तो हम आ जाए वर्ल्ड के नंबर वन प्लेटफॉर्म यानी कि वर्ल्ड के नंबर वन क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। वर्ल्ड के नंबर वन की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको हर वो सुविधाएं मिलती हैं जो शायद यदि आपने इसको चलाना सीख लिया, नंबर वन को चलाना सीख लिया, तो बाकी आप चुटके का काम है, समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी बकवास के स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम दोस्तों हैं, यदि आपको नहीं पता, हम हैं वर्ल्ड के नंबर वन प्लेटफॉर्म यानी कि क्रिप्टो एक्सचेंज पे जिसका नाम है बाइनांस। नहीं जानते तो आप क्रिप्टो फील्ड में हो ही नहीं सकते हो। बाइनांस दोस्तों वर्ल्ड का नंबर वन एक्सचेंज है, इसी को हम ए टू जेड सीखेंगे। ये पीसी वर्जन है, ये पीसी पर किस तरह से वर्क करता है मैं इसमें सिखाने वाला हूँ। मोबाइल का मैं आपको कि कभी अलग वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो इसका काफी कुछ जो है UI चेंज हो गया है बाइनेंस का देखा जाए तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसका लिंक यदि आप चाहो तो बाइनेंस जो मेरी लिंक के थ्रू आप करोगे तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, फीस में डिडक्शन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने जरूर दे रखा होगा बाइनेंस का, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑफिशियल वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो बाइनेंस का। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके का जो है बाइनेंस एक्सचेंज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जहाँ पे यदि बात करो तो ये है मार्केट, ये आप यदि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे मार्केट है। ठीक है, जहाँ पे मैं एरो ले जा रहा हूँ तो ये मार्केट है, यहाँ पे आपको सारी कॉइनें लिस्टेड देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी कॉइनों का यहाँ पे मिल जाएगा। यदि आपको किसी स्पेसिफिक कॉइन का चाहिए हो तो उस पर आप सर्च कर सकते हो, ऊपर बार भी दिया है सर्च बार। जैसे मान लीजिए मैं BNB कर देता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने BNB के कई सारे पेयर आ गए। अब मुझे देखना है BNB/USDT। ठीक है, क्योंकि डॉलर के टर्म में मुझे देखना है कि BNB का रेट कितना है। तो ये जो आपको कई लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि ये 10x लिखा होता है, ये क्या होता है, ये दरअसल होता है कि आपको कितनी लेवरेज दे सकता है बाइनेंस BNB को। ठीक है, तो ये 10x आपको दी जा सकती है, ये बताता है दरअसल। यहाँ पे देखिए यदि आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इसका चार्ट पूरा डिटेल में मिल जाता है देखने को। ठीक है, तो पूरा आपको मैं सिखा के रहूँगा आज इस एक्सचेंज को। ठीक है, एपिसोड 25 में मैंने समझाया था आपको क्या किस तरीके के क्रिप्टो एक्सचेंज पे स्टोर कर सकते हैं। एपिसोड 26 में मैंने आपको वॉलेट बनाना सिखाया, नॉन कस्टोडियल वॉलेट या हार्ड वॉलेट। और आज एपिसोड 27 जहां पे मैं एक्सचेंज पे काम करूंगा, पूरा ए टू जेड सिखाऊंगा। तो ये आपके सामने जो है BNB का जो है चार्ट ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये है BNB का चार्ट। अब अच्छा यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ हम इसकी चीजों के बारे में। जैसे यहाँ पे ऊपर देखिए साइड में आप देख सकते हो तो इसमें वन डे का चार्ट देख सकते हो, 4 आवर का चार्ट देख सकते हो, 1 आवर का चार्ट देख सकते हो, 15 मिनट का चार्ट देख सकते हो, और यहाँ पे जितनी मर्जी मुताबिक आप यहाँ पे अपने चार्ट को देख सकते हो, 3 डे का चार्ट देख सकते हो कैंडल के टर्म्स में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस तो आपको नहीं सिखाने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं सिखा के रखा हुआ हूँ, और आने वाली वीडियो में आपको सिखाने को और डिटेल में मिलेगा क्योंकि वीडियो जो है पुरानी हो चुकी है। तो आप जैसे पाओ वैसे अपने जो चार्ट है उसको कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे देखा जाता है। अब वहीं यदि इस चार्ट को आप बड़ा करना चाहो, बिग करना चाहो, फुल में देखना चाहो तो फुल में आपका दिख जाएगा। ठीक है, फिलहाल मुझे फुल में नहीं चाहिए। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि किसी भी एक्सचेंज में सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है कि इसमें जो है हम पैसे जमा कैसे करें, हम पैसे डिपॉजिट कैसे करें। इसके लिए आपको राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा एक वॉलेट का ऑप्शन। इस वॉलेट के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सामने आपके बहुत ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें आपका ओवरव्यू, फियाट एंड स्पॉट, मार्जिन, फ्यूचर्स, फंडिंग, सेविंग, बहुत सारे ऑप्शन है, सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा, बस आप देखते रहिए। तो वॉलेट पे क्लिक करोगे, ओवरव्यू पे आपको चले जाना है। अब यहाँ पे जो है पैसे जमा करने का आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है आप यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करो और क्रिप्टो डिपॉजिट पे क्लिक करो और यहाँ पे किसी भी एक्सचेंज से आप चाहो तो इस पे भेज सकते हो अपनी जो भी क्रिप्टो। ठीक है, और जिस भी नेटवर्क से आप अपने इस एक्सचेंज पे भेज रहे हो, जैसे मान लीजिए BEP20 का आपके पास
यूएसडीटी पड़ा हुआ है, यूएसडीटी मान लीजिए पड़ा हुआ है किसी दूसरी एक्सचेंज पे, उससे आप बाइनेंस पर लाना चाहते हो तो आप डिपॉजिट कर सकते हो। यूएसडीटी देखो सिलेक्ट करो, बीपी और जो भी नेटवर्क से आप लाना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लो, हर नेटवर्क यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि ये वर्ल्ड का नंबर वन एक्सचेंज है। मैं कह रहा हूँ नेटवर्क जिस नेटवर्क से आप लाना चाहते हो अपने यूएसडीटी को सिलेक्ट करो और उसके बाद आप इस एड्रेस को कॉपी करो या फिर आपको यहाँ पे क्यूआर कोड मिल जाएगा, स्कैन करो और किसी भी एक्सचेंज से, कोई दूसरी एक्सचेंज आपके हो जहाँ पे रखे हो फंड आपका, इस पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। कोई भी क्रिप्टो आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, क्रिप्टो टू क्रिप्टो डिपॉजिट करने का ये है। मान लीजिए आपके पास किसी दूसरे एक्सचेंज में क्रिप्टो नहीं है, आप एकदम नए हो और आपके पास कोई क्रिप्टो नहीं है किसी दूसरे एक्सचेंज पे, तो आप कैसे यहाँ पे ट्रांसफर करो? आपके पास सिर्फ फियाट है, यानी कि आपके पास आपकी कंट्री के रुपए हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया का रुपया है या फिर यूएसए का डॉलर है, तो कैसे आप डील करोगे वो समझ लीजिए। तो आपको जमा करने के लिए अपने इसमें बाइनेंस में आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है इस तरीके से वॉलेट पे, वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक कर देना है फंडिंग पे, फंडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखोगे तो आपके सामने एक आएगा बाय एंड सेल का ऑप्शन। देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारी यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये फंडिंग पे आप आ चुके हो, सबसे पहले मैंने वॉलेट पे क्लिक किया, वॉलेट पे क्लिक करने के बाद फंडिंग पे आप जो है आप अपने रुपयों से यहाँ पे जो है डॉलर को खरीदोगे। डॉलर को खरीदने के बाद आप कोई भी करेंसी यहाँ पे इस क्रिप्टो एक्सचेंज पे कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप खरीद सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें डॉलर खरीदना पड़ेगा और डॉलर को हम क्रिप्टो में कहते हैं यूएसडीटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने ऑप्शन है बाय सेल का, बाय सेल पे आप इस ऑप्शन पे आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, तो उसके बाद आपको जो है इस तरीके का आपके सामने विंडो आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, तो अभी मैं अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ये जो है कट जाए थोड़ा, तो अभी मैं आपको देखते वीडियो देखते रहिए पूरा, आपको आज पूरा समझ आ जाएगा कि एक्सचेंज बाइनेंस कैसे चलाई जाती है और कैसे यूज किया जाता है। तो देखो यहाँ पे देखिए कुछ बहुत ही वार्निंग मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो वीडियो सेक्शन जो है अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको इरेज कर दिया और चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे सारा कुछ होएगा। तो देखो आपको यहाँ पे P2P में बने रहना है, ऊपर ये जो है P2P में आपका टिक रहना चाहिए। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन है, पहला है बाय, दूसरा है सेल। बाय पर रखोगे तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। ये क्या है, ये बहुत सारे लोग हैं जो अपना क्रिप्टो यहाँ पे जो है अपना डॉलर बेच रहे हैं आपको रुपयों के टर्म्स में। आप इनको रुपए दोगे, इनके बैंक अकाउंट में भेजोगे, इनके दिए हुए बैंक अकाउंट में, बदले में ये आपको क्रिप्टो दे देंगे या फिर आपको डॉलर दे देंगे, यूएसडीटी दे देंगे आपके एक्सचेंज में। अब यहाँ पे जो मोस्टली सवाल लोगों के खड़े होते हैं वो ये खड़े होते हैं कि मान लीजिए मैंने उसको पेमेंट कर दिया और उसने पैसे मुझे दिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? देखिए ये वर्ल्ड का नंबर वन प्लेटफॉर्म है बाइनेंस एक्सचेंज, तो उसने बहुत सारी सिक्योरिटी की व्यवस्था कर रखी है। यानी कि जब वो सामने वाला आपको पेमेंट करेगा डॉलर में और आप उसको INR में दोगे, जितनी देर ये प्रोसेस चलेगा उतनी देर आपका जो उसका जो फंड है, उसका जो डॉलर है, वो लॉक कर लिया जाता है बाइनेंस के द्वारा ताकि फ्रॉड ना कर पाए। और उसकी KYC होती है तो वो कहीं भाग नहीं सकता है क्योंकि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाइनेंस के पास होती है। लेकिन उसमें भी एक जरूरी चीज़ है, वो आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है सेल करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। सेल करने में तो आप कर लोगे क्योंकि उधर से पेमेंट पहले आएगा, जब आप अपनी बैंक अकाउंट में चेक कर लोगे उसके बाद उसको फंड उसको दे देना। लेकिन आप भी फ्रॉड करने का ट्राई बिल्कुल मत करना, ठीक है। और यहाँ पे जो सेल का है, अब देखो इसकी तरीका क्या होता है, इसका सही प्रोसेस दरअसल बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ वार्निंग है जो बहुत ही जरूरी है, यदि आपने उनको मेरी नहीं सुना, वीडियो को स्किप कर दिया तो आप पैसा अपना लूज कर जाओगे। देखो सबसे पहली बड़ी पहली वार्निंग ये है कि आप जब भी क्रिप्टो यहाँ से खरीद रहे हो, जब भी यहाँ से आप बाय कर रहे हो अपनी रुपयों से, तो आप जो बैंक अकाउंट इसमें बाइनेंस में लिंक करोगे उसी बैंक अकाउंट से आपको सामने वाले को पेमेंट करना है, किसी थर्ड पार्टी से नहीं करना है, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए आपने जो है इसमें KYC कर रखी है शरद कटियार के नाम से, बाइनेंस में जो KYC है, जब आप अकाउंट बनाओगे KYC आपने किए शरद कटियार के नाम से, आप इसमें जब बैंक अकाउंट भी लिंक करना पड़ेगा P2P जब आपका नया होगा, क्योंकि मेरा ओल्ड है तो मेरे में नहीं मांगा। जब आप न्यू होगे तो आपके में बैंक अकाउंट मांगेगा, तो आपको बैंक अकाउंट उसी शरद कटियार का देना है जिसकी KYC आपने की
दूसरी चीज ये याद रखना, जिस पर्सन की आप के डॉक्यूमेंट से आपने केवाईसी की बाइनेंस में, उसी पर्सन की बैंक अकाउंट डिटेल्स को इसमें पीटूपी में इसको लिंक कर देना है। उसके बाद जब आप किसी से यहाँ पे खरीदोगे डॉलर, जब किसी से डॉलर खरीदोगे तो जो पेमेंट आप करोगे यूपीआई या किसी से भी, तो वो उसी बैंक अकाउंट से करना जो बैंक अकाउंट आपने इसमें लिंक किया हो। समझ गए हो? समझ गए? यानी कि जो भी आपने बैंक अकाउंट बाइनेंस में लिंक किया है उसी बैंक अकाउंट से आपको है सामने वाले पर्सन को पेमेंट करना है, दूसरी बैंक अकाउंट से नहीं करना है। या नहीं किसी भाई के कर दिया, किसी से कर दिया, जो बैंक अकाउंट आपने बाइनेंस में लिंक किया है उसी से पेमेंट सामने वाले को करना है। यदि आपने नहीं किया तो सामने वाले को पूरा राइट होगा, आपका पेमेंट वो रिलीज नहीं करेगा और आप उसका उसका इस केस में कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये बात बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है? ये वार्निंग है आपके लिए, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप चलिए मैं आपके सामने एक लाइव खरीद करके दिखाता हूं कि कैसे जो है डॉलर परचेज किया जाता है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे 2000 रुपए का डॉलर खरीदना है, मैं यहाँ पे जाऊंगा इंटर अमाउंट में 2000 रुपए लिखूंगा। तो ये मैंने 2000 रुपए लिखे, सॉरी 2000 नहीं, मैं यहाँ पे परचेज करने वाला हूं डॉलर जो है वो 1200 रुपए के, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे परचेज कर लेता हूँ 1200 रुपए के डॉलर, ठीक है? तो 1200 रुपए मैंने यहाँ पे एंटर किया और जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे मर्चेंट आ चुके हैं। लेकिन आपको खरीदना किनसे है वो भी जरा आप देख लीजिए। आपको इनमें से सिर्फ उन्हीं लोगों से खरीदना है जिनका यहाँ पे जो परसेंटेज लेवल है, यदि आप देखोगे इनके सामने एक परसेंटेज लेवल है, मेरा एरो देखिए कहाँ पे है। पहले वाले का है 98%, जिसका 95 से 100% के बीच में हो उसी से आपको खरीदना है, जिनका कम हो उनसे मत खरीदिए, ठीक है? हालांकि थोड़ा महंगा होता है लेकिन आपका पेमेंट बहुत जल्दी मिल जाएगा, डॉलर बहुत जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक पर्सन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसका जो है सेकंड वाले का, इसका 99.39% कंप्लीशन रेट है, तो मैं इसी से खरीदूंगा क्योंकि 95 से 100% के बीच वाले पर्सन से ही यदि आप खरीदोगे तो बहुत जल्दी आपका आसानी से काम हो जाएगा। चलिए मैं दूसरे वाले पर्सन से खरीद लेता हूँ, इसका 99.39% है और मैं बाय यूएसडीटी पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको अमाउंट लिख दीजिए कि 1200 रुपए का जो है मैं इसे डॉलर खरीद रहा हूँ। अब मैं बाय यूएसडीटी पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं बाय यूएसडीटी पे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल्ली मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि 1200 रुपए इसको आप कैसे पे करोगे। तो मैं जो है उसको यूपीआई आईडी से पे कर देता हूँ। तो मैं यूपीआई आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, इसकी यूपीआई आईडी है maggie69@au bank। तो चलिए इसको मैं पे कर देता हूँ। लेकिन एक चीज आप याद रखना, जब इसको पे करने जा रहे हो, पे करने से पहले, ठीक है, मैं सबसे पहले तो अपनी डिटेल्स जो है इसकी सबसे पहले यूपीआई आईडी में कर लेता हूँ, अभी मैं इसको पेमेंट नहीं करूंगा। तो उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि कुछ सावधानी है उसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे 2 UPI ID मैं इसको सेंड करूंगा, ठीक है? तो 2 UPI ID, ठीक है? तो 2 UPI ID और इसकी UPI ID है maggie69@au bank। तो इसकी UPI ID ये है, ठीक है? maggie69@au bank। इससे सबसे पहले जो है आपको थोड़ी चैटिंग भी यहाँ पे कर लेनी है कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे हो ही ना और हम इसको पेमेंट भी कर दें। हालांकि होगा तो कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन देख लें। सबसे पहले आपको बात कर लेनी है कि यहाँ पे है भी या नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसमें मैसेज लिख देता हूँ और यहाँ पे जो है चला जाए तो ठीक है, वरना नहीं जाता तो मैं इसको पेमेंट ही कर देता हूँ। लेकिन आपको जो है इसमें चैटिंग कर लेनी है, शायद पीसी के कारण नहीं आ रहा है, आपके फ़ोन में हो जाएगा, ठीक है? तो आपको चैट भी आपके यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए इसके जो इसमें वार्निंग भी इसने लिख रखी है कि थर्ड पार्टी से पेमेंट नहीं करना है। समझ रहे हो ना, जो मैं आपको बात बता चुका हूँ कि जो बैंक अकाउंट आपने लिंक किया बाइनेंस से और जिस पर्सन के नाम से आपने KYC की बाइनेंस में, उसी के बैंक अकाउंट से सामने वाले को पेमेंट करना है। यदि आपने उससे पेमेंट नहीं किया तो सामने वाले को पूरा राइट है, आपका पेमेंट या डॉलर आपको नहीं मिलेगा। तो ये बात बहुत ही ध्यान से याद रखना, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो यहाँ पे जो है मैंने इसका डिटेल्स फिल कर लिया है और उसके बाद
यहाँ पे इसका नाम भी चेक कर लेना, आपके उसमें दिखा देगा। तो इसका जैसे नाम है सोहाब सिद्दीकी, हालांकि ठीक है नाम तो इसका मैंने देख लिया। और इसमें जैसे ही मैं यहाँ पे अमाउंट भी आपको वही पे करना है जितने का आप डॉलर खरीद रहे हो। मैं इससे 1200 का परचेज कर रहा हूँ और आपको स्पेसिफिकेशन में आपको कुछ नहीं डालना है कि आप क्रिप्टो बाय कर रहे हो, ये आपको नहीं डालना है क्योंकि जो है बैंक अकाउंट जान जाते हैं कि आप डॉलर में खरीद फरोख्त कर रहे हो, तो ये भी आपको नहीं डालना है। कुछ वार्निंग है आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे UPI देखो, मैंने इसका 1200 रुपये डाल लिया, लेकिन पेमेंट करने से ठीक पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले ही बता देना है कि मैंने पेमेंट कर दिया, ट्रांसफर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्योंकि ध्यान दीजिए एक बात को, यदि आपने पेमेंट कर दिया और आपने ट्रांसफर नेक्स्ट की बटन नहीं दाब पाई तो क्या होगा, सामने वाला यदि ऑर्डर कैंसिल कर देता है तो आपका जो है आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, आपका पैसा भी चला जाएगा। इसलिए आपको ट्रांसफर नेक्स्ट की बटन पे पहले ही क्लिक कर देना है पेमेंट करने से पहले। तो मैं इस पे पहले ही क्लिक कर देता हूँ और पेमेंट थोड़ा बाद में करता हूँ ताकि जो है कुछ फ्रॉड ना हो पाए। अब उसके बाद अब मैं 1200 रुपये इसको जल्दी से पे कर देता हूँ और यहाँ पे जो है पैसे जो है इसके पे हो गए हैं, ठीक है। पैसे इसके देखिए पे हो चुके हैं, अब ये जो है क्रिप्टो उधर से रिलीज करेगा, ठीक है। तो अब ये ट्रांसफर नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर दिया, उसके बाद ये रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये शायद इंटरनेट कनेक्शन, तो यहाँ पे जो है ऑर्डर के सेक्शन में यदि आप जाओगे तो आपको ऑर्डर आपके देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए जो है ट्रांसफर नेक्स्ट की बटन पे क्लिक हो चुका है, दरअसल मेरे में दिखा नहीं रहा था, तो यहाँ पे डिटेल्स शो कर जाए, हाँ डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिए जो है अब ये रिलीज करेगा उधर से, ठीक है। इसके पास नोटिफिकेशन चली गई होगी कि सामने वाले पेमेंट कर दिया है, वाकई में मैंने जो है पेमेंट कर दिया है। अब ये उधर से रिलीज करेगा और जैसे ही रिलीज करेगा वैसे ही मेरे में जो है 1200 रुपये का डॉलर जो है मेरे बाइनेंस अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, ठीक है। और जितने टाइम ये प्रोसेस चलता है उतने टाइम में क्या होता है, उसने टाइम में बाइनेंस जो है ये जो है इसका जो पैसा है वो अपने पास पकड़ लेता है ताकि फ्रॉड ना कर पाए। यानी कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं वर्ल्ड के नंबर वन एक्सचेंज पे जो है ट्रेडिंग आपको करना बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड की कोई चांसेस नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी इसमें रहती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको नंबर वन एक्सचेंज पे बता रहा हूँ। तो ये देखिए पेमेंट जब भी देखिए 13 मिनट टाइम चल रहा है और ये रिलीज कर देगा, और नहीं करेगा बहुत जल्द, मतलब करेगा ही करेगा 100% करेगा, ठीक है। और ये देख लेते हैं जब तक चलता है तब तक मैं आपको कुछ और सिखा देता हूँ, ठीक है। तो जब तक देख लेते हैं तब तक ये करेगा रिलीज, जाएगा कहाँ। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं अब। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपने सीख ही लिया, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि खरीदा कैसे जाता है, ट्रेड कैसे की जाती है। यहाँ पे देखिए खरीदने के लिए जो है कई सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं। पहला आपके पास होता है खरीदने के लिए बाय के लिए लिमिट। लिमिट में क्या होता है, आप यहाँ पे जो लिमिट लगा दोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे BNB का अभी प्राइस चल रहा है $392, आपको लग रहा है कि BNB का प्राइस $380 जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिमिट लगा सकते हो कि $380 जैसे ही जाए प्राइस आप अपने हिसाब से, लिमिट में क्या होता है प्राइस आप अपने हिसाब से सेट कर दो, $380 जैसे ही जाए वैसे ही मेरी एक BNB $380 की बाय हो जाए। बाय BNP पर क्लिक कर दो, आपका ऑर्डर लग जाएगा, आपका ऑर्डर यहाँ पे नीचे शो करने लगेगा, आपका खरीद जाएगा जैसे $380 BNB जाएगी। तो ये कितनी अच्छी फैसिलिटी है जो आपको मिल जाती है। दूसरी तरफ बात कर लें मार्केट की, तो मार्केट में क्या होता है, जो करंट रेट चल रहा होगा उसमें आपका खरीद जाएगा, आप जो भी BNB यहाँ पे खरीदना चाहो, ठीक है। अब वही भी बात कर लेते हैं स्टॉप लिमिट की। स्टॉप लिमिट में क्या होता है, यहाँ पे भी जो है कि आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हो, कितना भी आपको बाय करना हो या सेल करना हो, ठीक है। तो ये तरह तरह के ऑर्डर होते हैं जो आप लगा सकते हो अपनी फैसिलिटीज या सुविधा के अनुसार, ठीक है। ये होती है आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग, इसमें आपको फ्यूचर ट्रेडिंग भी मिल जाती है, आप कोई भी कॉइन में जो है यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई भी कॉइन या टोकन में, और आपको यहाँ पे वो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं जो एक फ्यूचर ट्रेडिंग में के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग का यदि मैं आपको बेसिक बताने की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए क्रॉस होता है, और देखिए दो तरह की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। पहला होता है क्रॉस और दूसरा होता है मार्जिन। तो ये क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए अगर दिया हो तो
तो जो है क्रॉस क्या होता है, देखो यहाँ पे जो है, देखिए ट्रेडिंग जो होती है, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग के आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग दो तरह की होती है, एक होती है क्रॉस ट्रेडिंग, एक होती है आइसोलेटेड ट्रेडिंग। आइसोलेटेड ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसमें मान लीजिए आपने $5 से $5 से ट्रेड स्टार्ट की, तो जैसे ही आपका लॉस जो है $5 हो जाएगा, वैसे ही जो है आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी और आपका ऑर्डर बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। आइसोलेटेड ट्रेड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने $5 का स्टार्ट की ट्रेड और $5 आपका लॉस हो गया, तो $5 खत्म होने के बाद आपका ऑर्डर बंद हो जाएगा। लेकिन क्रॉस में ये होता है कि जब तक आपका अकाउंट, आपका जो है फ्यूचर ट्रेडिंग में जो भी आपका फंड पड़ा है, वो जब तक जीरो नहीं कर देगा तब तक ये बंद नहीं होगा, क्रॉस में ये होता है। वहीं पे जो यहाँ पे कुछ नुकसान और फायदे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉस में फायदा ये होता है कि आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो काफी दूर चला जाता है। लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है, मैं आपको ऐसे बता दूं कि मान लीजिए जैसे बिटकॉइन आज $50,000 का चल रहा है करीब करीब, ठीक है, $50,000 का चल रहा है। अब मान लीजिए आपने क्रॉस किया, तो क्रॉस से क्या होगा आपका, मान लीजिए आपने क्रॉस से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो क्रॉस से क्या होगा आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो आपका चला जाएगा $100,000। $100,000 जब वो लिक्विडेशन प्राइस चला गया, तो इतना आपको भी पता है कि बिटकॉइन का कभी $100,000 जो डॉलर है जाने वाला नहीं। अगर मान लो 10-15 दिन रहता है, $50 से $60 चला गया है, अगर नीचे नहीं आ रहा, हो सकता है ज्यादा चांसेस हैं कि नीचे आ जाए, तो इसमें यह होता है कि लिक्विडेशन प्राइस आपका दूर चला जाता है, तो उसका फायदा उठा सकते हो। हो सकता है थोड़े दिन बाद आपके मन मुताबिक जो आपने ट्रेड जिस हिसाब से ओपन की थी उस हिसाब से आपके चलने लगे, तो यह फायदा भी होता है, ठीक है। तो क्रॉस का अपना फायदा है, आइसोलेटेड का अपना फायदा है, जो लोग नहीं बताते वो मैंने आपको बता दिया। चलिए बात कर लेते हैं बाय क्या होता है, सेल क्या होता है। देखिए बाय का मतलब होता है लॉन्ग, इसका मतलब ये कि आप ये भविष्यवाणी कर रहे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। सेल का मतलब होता है शॉर्ट, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से ये भविष्यवाणी कर रहे हो कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, अगर कहीं गंगा उल्टी बह गई तो आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो है फ्यूचर ट्रेड हाईली रिस्की है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा इसको मत कीजिए, ठीक है। अपना इन्वेस्टमेंट करो वो बढ़िया है, ठीक है। और ये वही लोग करते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है। और सबसे पहले तो ये है कि आप इसको करने से पहले अच्छे से थोड़ा थोड़ा में सीखो, ठीक है। ये नहीं कि एकदम आए ज़्यादा लालच के चक्कर में घुस गए। चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं लीवरेज क्या होता है। लीवरेज जो होता है उसमें आप जो है इसमें अंडर टैक्स तक कर सकते हो, यानी कि आप मान लीजिए $100 आपके पास है, आप $1,000 से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा आप लीवरेज लोगे उतना ज़्यादा आपका जो चार्ज लगेगा, कि मतलब एक्सचेंज आपको प्रोवाइड कराती है पैसा, तो एक्सचेंज पैसा प्रोवाइड कराएंगी तो फ्री में थोड़ी ना कराएंगी, तो आपसे कुछ चार्ज लेंगी और बहुत जल्दी जल्दी काटेंगी आपका पैसा, ठीक है। तो इसमें आप ये जरूर है कि हाँ $100 से आप $1,000 से ट्रेड कर सकते हो लीवरेज लेकर के। मान लीजिए आपने 10x की लीवरेज ले ली तो आपका जो पैसा है वो 10 गुना से आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपका लॉस भी बहुत फास्ट होगा और प्रॉफिट भी बहुत फास्ट होगा, ये भी याद रखना। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे एक केस ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास $100 था, आपने 10x की ट्रेड ली, कितनी ली 10x की, आपका पैसा कितना हो गया $1,000 से आप ट्रेड करने लगे। $100 आपके पास थे, 10x की लीवरेज ली, $1,000 से आपने ट्रेड स्टार्ट की, आपने कहा जो है मार्केट यहाँ से शॉर्ट जाएगी यानी कि नीचे जाएगी, लेकिन गंगा उल्टी बहेगी मार्केट ऊपर चल दी, तो क्या हुआ आपका जो $100 है जैसे ही आपका लॉस होगा वैसे ही आपका ऑर्डर बंद हो जाएगा, मामला सब बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, तो इस तरीके से काम करता है आपका फ्यूचर ट्रेडिंग। और कैसे जो है क्रिप्टो इसमें बाय की जाती है, जरा यहाँ पे देख लेते हैं, उसने पैसा जो डॉलर है रिलीज किया नहीं किया वो भी जरा यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि उसने जो है डॉलर मेरा यहाँ पे रिलीज कर दिया है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था इसमें कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ल्ड का नंबर वन एक्सचेंज है, मेरा आज तक एक भी फ्रॉड यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। बहुत सिक्योरिटी बाइनेंस रखता है, इसलिए मैं कहता हूँ बढ़िया प्लेटफॉर्म चुनो, या इरे गिरे नत्थु कहरे पकड़ोगे तो फिर फ्रॉड होएगा और आपका हैक भी होगा। बाइनेंस कभी भी जल्दी हैक ही नहीं हुआ है आज तक, ये है सबसे बड़ी खासियत। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे जो है मेरा एसेट जो है यहाँ पे फंडिंग में आ चुका होगा। जैसे मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो देखिए फंडिंग में आ गया होगा, तो ओवरव्यू में देख लेता हूँ। हाँ तो देखो $107 मेरा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। और ये कहाँ गया है, ये गया है शायद मेरा फंडिंग में ही गया होगा। हाँ ये गया है मेरा, आ जाए तो ये सर्च नहीं हो रहा है, दरअसल दोबारा कर लेते हैं। तो नेटवर्क यहाँ पे थोड़ा कनेक्शन, तो यहाँ पे फंडिंग में देख लेते, तो खैर यहाँ पे जो है उसमें फंडिंग में चला गया होगा मोस्टली,
देखो यहाँ पे एक चीज और समझ लो, जब फंडिंग पे चला जाए तो फंडिंग से आपको लाना पड़ेगा स्पॉट में, क्योंकि ट्रेडिंग आपको करने के लिए स्पॉट में लाना पड़ता है। आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक ट्रांसफर की बटन दिखेगी, ट्रांसफर की बटन पे क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम में आपको पास जहाँ पे फंड हो, जैसे मान लीजिए मेरा है किसमें होगा, हाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पे फंडिंग में मेरा है पैसा और मुझे लाना है स्पॉट में, फियाट एंड स्पॉट में, क्योंकि वहीं से तो ट्रेड होगी जब तक इसमें नहीं लाएंगे। तो फ्रॉम में रखो फंडिंग को, टू में रखो फियाट एंड स्पॉट को, और यहाँ पे जो भी आपके पास हो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। जैसे मेरे पास है यूएसडीटी, तो यूएसडीटी मैंने यहाँ पे गया, यूएसडीटी किया सेलेक्ट, और यहाँ पे देखिए जो है मेरा यहाँ पे शो करने लगा $14.78। इसको कंफर्म किया और मेरा अभी जो है ये जो है एक सेकेंड में जो है स्पॉट में आ जाएगा। तो देखिएगा थोड़ा, हाँ तो ये जो है मेरा स्पॉट में आ चुका है $14.78। अब इसको जो है मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, खरीद फरोख्त कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे विड्रॉल कैसे किया जाता है। मान लीजिए बाइनेंस से मुझे किसी दूसरे एक्सचेंज में विड्रॉल करना हो तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि वीडियो ये फुल्ली ट्यूटोरियल है। यहाँ पे देखिए आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में अपर साइड विड्रा की एक बटन होती है। विड्रा में बटन में मान लीजिए आप किसी को डॉलर भेजना चाहते हो तो यूएसडीटी पे क्लिक करो, उसके बाद उसका एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दो। एड्रेस पेस्ट करने के बाद जिस भी नेटवर्क से आप उसको भेजना चाहते हो और जिस भी नेटवर्क से वो एक्सेप्ट करना चाहता हो, ये डिपेंड करता है कि सामने वाला किस नेटवर्क से एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करके, ये बाइनेंस में देखिए फैसिलिटी ये है कि यहाँ पे जैसे ही आप नेटवर्क पेस्ट करोगे ये बता देगा कि सामने वाला का जो नेटवर्क, सामने वाले ने जो दिया है वो किस नेटवर्क का है, वो BEP20 है, BTRC20 है, किस तरह का नेटवर्क है। नेटवर्क जरूर मैच कर लें सामने वाले के पर्सन से कि सामने वाला पर्सन ने जो आपको एड्रेस दिया है डॉलर का वो किस नेटवर्क का है। यदि आपने नेटवर्क गलत किया तो पैसा हवा में उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलो ये हो गया, विड्रॉल कैसे किया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। इससे आप विड्रॉल से आप एक एक्सचेंज पे यानी कि बाइनेंस से आप दुनिया की किसी भी एक्सचेंज पे भेज सकते हो, ये फैसिलिटी है बाइनेंस की। नेक्स्ट भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इतना तो मैंने बता दिया, कुछ छूट रहा है शायद। हाँ एक जो इसका सबसे बढ़िया फीचर बाइनेंस का ये है, ये चीज आप सीख लो कि यहाँ पे की एक बटन होती है। अब पे का काम क्या है, यदि आप राइट हैंड साइड में अपर साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक पे की बटन मिल जाती है। इस पे की बटन की खासियत ये है कि आपके पास दुनिया का कोई भी व्यक्ति के पास यदि आप क्रिप्टो भेजना चाहते हो फ्री फंड में, फ्री में, ठीक है, कोई चार्ज नहीं लेगा बाइनेंस, फ्री में आपका क्रिप्टो एक बाइनेंस अकाउंट से दूसरे बाइनेंस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो काम करता है वो करता है आपका बाइनेंस पे। तो बाइनेंस पे एक तरीके की फैसिलिटी है, बाइनेंस के द्वारा ही बटन ये जो है बनाई गई है। इसमें आप किसी भी दुनिया के पर्सन के पास, जैसे मान लीजिए आपका बाइनेंस अकाउंट बना है एक्स वाई जेड मोबाइल नंबर से, दूसरे का बना है एक्स वाई जेड मोबाइल नंबर से, आप उसका मोबाइल नंबर एंटर करो या उसकी ईमेल आईडी एंटर करो, उसके बाइनेंस अकाउंट में पैसा जो है आप अपने एक्सचेंज से दूसरे बाइनेंस अकाउंट में भेज सकते हो विद इन जीरो फीस, यानी कि एक भी चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है फ्री फंड में, समझ गए। तो ये है दुनिया का नंबर वन एक्सचेंज बाइनेंस, ठीक है। और इसकी सारी फैसिलिटीज, कैसे इसको चलाया जाता है कैसे नहीं चलाया जाता है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। और लास्ट में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जाते जाते, हाँ मेन चीज़ और सुन लो, हाँ कि इसमें मान लीजिए आपके पास फंड तो पड़ा हुआ है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा पैसा है आपके पास, तो मान लीजिए उस पैसे को हम सड़ाएं क्यों, क्यों ना पैसे से पैसे बनाएं। तो उसका भी देखो यहाँ पे एक जुगाड़ बना रखा है बाइनेंस ने। बाइनेंस जो है मैं आपको बता दूं 25% ब्याज देता है, कितना 25%, 25% अप टू, तो देखो कैसे मिलेगा। देखो सबसे बड़ी खासियत यही है, यदि आप बैंकों में रखोगे आपको 4%, 5%, 7%, 10% यही मिलता है, आपको बेवकूफ बनाया जाता है, उतनी तो आपकी इन्फ्लेशन रेट होती है, ठीक है, तो काय का फायदा, उतनी रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, तो देखो इसमें कैसे मिलता है। सबसे बड़ी खासियत जो है मैं आपको बताना भूल गया, तो वो समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास भी बहुत सारा यहाँ पे जो है फंड पड़ा हुआ है, आपके सामने देख सकते हो, ठीक है। अब इसको कैसे आपको जो है पैसे से पैसे बनाना है वो भी देख लो। यहाँ पे आपको क्लिक करना है आल की बटन पे, आल की बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको कई सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सेव, यहाँ पे आपको मिलेगा एक सेविंग का बटन, सेविंग का बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है सेविंग का ऑप्शन आ जाएगा। सेविंग के ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ। सेविंग का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे आपके पास चार तरीके का ऑप्शन मिलेंगे, फ्लेक्सिबल सेविंग, लॉक सेविंग। तो फ्लेक्सिबल सेविंग क्या होती है, फ्लेक्सिबल सेविंग में आपको डे टू डे आपको
ब्याज मिलता रहता है डे टू डे आपको जो है क्रिप्टो एसेट फ्री में मिलते रहते हैं। बदले में जो है आपको क्रिप्टो एसेट यहाँ पे लॉक करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी क्रिप्टो एसेट लॉक किया, वो आपका जाता कहीं नहीं है, बस उसको यहाँ पे रखने के लॉक करने के आपको जो है मिलते रहते हैं। फ्लेक्सिबल सेविंग में ये होता है कि आप यहाँ पे लॉक कीजिए और आपको डे टू डे मिलता रहेगा, और जब पाओ तब आप यहाँ से अपना एसेट ले जाओ और ब्याज जो मिला वो भी ले जाओ। लॉक स्टेकिंग लॉक सेविंग में ये होता है कि आप एक निश्चित डे के लिए यहाँ पे लॉक करो और उसके बाद जो है आप यहाँ पे एक निश्चित दिनों के बाद आओ और यहाँ पे बढ़िया कमाई कमा कर ले जाओ। लेकिन लॉक सेविंग में जो है आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है इन कंपेरिजन टू फ्लेक्सिबल सेविंग में, समझ गए। लॉक सेविंग में आपको एक निश्चित दिनों के लिए लॉक करना पड़ेगा, समझ गए। और यदि आप उससे पहले लॉक हटा लोगे, यदि आपको जरूरत पड़ेगी अर्जेंट में तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन लॉक सेविंग में ये है कि आपको जो है ब्याज मिला वो आपको नहीं दिया जाएगा, फिर आपका वो ब्याज ले लिया जाएगा लॉक सेविंग में, जबकि फ्लेक्सिबल सेविंग में ऐसा नहीं है। लेकिन फ्लेक्सिबल सेविंग में जो APY है वो कम मिलती है। अब देखिए यहाँ पे फ्लेक्सिबल सेविंग है तो फ्लेक्सिबल सेविंग में आपको देखोगे तो 20%, 12%, 5% इस तरीके का मिला है। ये जो APY होती है परसेंटेज, ये आपकी होती है एनुअली बेस्ड, यानी कि सालाना आपको मिलती है, ये चीज़ याद रखना, ना कि आपका 10-15 पर डे मिलती है या महीना मिलती है, याद रखना। ये जो APY है आपको वार्षिक मिलती है, ईयरली। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं सैंड का ले लेता हूँ, तो सैंड को जब आप यहाँ पे सब्सक्राइब करोगे, मान लीजिए आपके पास 2000 सैंड पड़े हुए हैं, ठीक है, 2000 सैंड, और यहाँ पे देखिए पूरा कैलकुलेट करके ये बता भी देता है, ठीक है, पूरा कैलकुलेट करके ये बता भी देता है कि आपको पर डे कितना मिलेगा और इतने दिनों के बाद आपका कितना सैंड यहाँ पे हो जाएगा, इस तरीके से ये पूरा बता भी देता है। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज है। मान लीजिए यहाँ पे एक्सेस पर जो है एक्सी इन्फिनिटी पर 25% APY दी जा रही है, तो यहाँ पे जो है आप अपना अमाउंट इंटर कीजिए कि हमारे पास इतना एक्सेस है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे पूरा आपको दिखा देगा कि इस तारीख से आपकी लॉक हो जाएंगी, इस तारीख से आपकी खत्म हो जाएंगी, और इतने इसके इसके और इसके बीच के बीच में आपका इतना एक्सेस जो है ब्याज के रूप में बनेगा। ये सब आपको पहले ही दिखा देता है। आप यहाँ पे लॉक कर सकते हो और जब पाओ तब अपना छुटा सकते हो, ठीक है। फ्लेक्सिबल सेविंग में आप जब पाओ तब ले जाओ और आपको ब्याज भी दे दिया जाएगा। लॉक सेविंग में आपको एक निश्चित दिनों के बाद मिलेगा, यदि आप उससे पहले ही तोड़ देते हो तो आपका जो है ब्याज ले लिया जाएगा और आपका एसेट आपको दे दिया जाएगा, यानी कि लॉस नहीं होगा आपका, इतना है। तो आप समझ गए होंगे कि फ्लेक्सिबल सेविंग और लॉक सेविंग के जरिए भी हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बात करें वहीं पे जो है हम यहाँ पे बाइनेंस के NFT मार्केट प्लेस की, वो भी यहाँ पे समझ लीजिए। तो बाइनेंस के NFT मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा कार्ड की बटन पे। कार्ड की बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बाइनेंस का यहाँ पे जो है NFT मार्केट प्लेस लॉन्च हो जाएगा, और बाइनेंस का खुद का NFT मार्केट प्लेस है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी NFT यहाँ पे लिस्टेड है। यहाँ पे आपका जो है NFT का अकाउंट बना होता है बाइनेंस में, जो है NFT का अकाउंट बनाने के लिए आपको अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका अकाउंट इसी में बन जाता है। और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने जो है सारी डैशबोर्ड, रिवार्ड सेंटर और जो भी आपके चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास NFT है या नहीं है, और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, ये सब अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने डिटेल में समझाया है कि बाइनेंस एक्सचेंज का कैसे उपयोग किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशनल है। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, गुड नाइट।